हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है, जो तेलंगाना आवाम के लिए हक के लिए बनाई गई पार्टी थी। और हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना में आपके लोगों की वोट की वजह से ही हमारी पार्टी इख्तदार में आई। हमारे सीएम साहब ने जिस तरह काम किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में जिस तरह हमारी स्टेट तेजी से तरक्की कर रही है, जिस तरह यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, यहाँ का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में नंबर वन है। हर कोई नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमारे तेलंगाना के बारे में तारीफ करना पड़ा, हमारे सीएम साहब के बारे में तारीफ करना पड़ा। इसलिए मैं करीमनगर के तमाम भाइयों से, सारे तेलंगाना के भाइयों से यही अपील करता हूँ, जिस तरह असेंबली में आप लोगों ने टीआरएस पार्टी को भारी मेजाज से जिताकर हमें इख्तदार सौंपा है, उसी तरह पार्लियामेंट में भी हमारे 16 के 16 एमपी जीतना जरूरी है। उन्हें जिताने का हक भी आप लोगों को है, क्योंकि अगर कोई पार्टी आपके घर की पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है। आपके मसाइल पर बात करने वाली पार्टी पार्लियामेंट में है तो वो टीआरएस पार्टी है, टीआरएस की एमपी है। जिस तरह हमारी यहाँ पर स्टेट में हमारी हुकूमत हो, उसी तरह पार्लियामेंट में भी हमारी मुकम्मल नुमाइंदगी होना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब आपको मुखातिब करेंगे, आप लोग उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। और हमें फख्र है जिस तरह हमारे सीएम साहब आवाम के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, उसी तरह हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब भी, केटी रामाराव साहब भी आवाम के बीच में रहकर आवाम के मसाइल हल करते हैं। और मैं आपसे यही एक बात अपील करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, हमें नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हमें कोई तेलुगु देशम की जो गद्दार जमातों की जरूरत नहीं है, हमें बीजेपी की जरूरत है। हमारे घर की, हमारे पार्टी, हमारे जो घर की है, और हमारे महान और महात्मा लीडर जो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते हुए हमारी तरक्की दिला रहे हैं, हमारे किसानों को, नौजवानों को मुलाजिमतें दे रहे हैं, हर इंसान को यहाँ पर जीने का हक दे रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान में सबसे तरक्की याफ्ता स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है, जो 5 साल में जो हमारे सीएम साहब ने कारनामे किए, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में और इससे बहुत ज्यादा तरक्की होगी। हमारे किसानों को पानी मिलेगा, वेलफेयर स्कीम इंडिया में नंबर वन वेलफेयर स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। मैं यही बात करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि आपको हमारे डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट से सुनना है। बहुत ज्यादा वक्त दीजिए, कोई उठकर मत जाइए, खाने का तो टाइम कभी भी मिलेगा पर बात सुनने का वक्त नहीं मिलेगा। खासतौर से करीमनगर के हमारे डायनेमिक एमपी साहब जो विनोद कुमार साहब भी बहुत कुछ काम कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी स्टेट की तरक्की के लिए बहुत से मसाइल उठाए, उन्हें जिस तरह आप लोगों केसीआर साहब भी बहुत उनकी कदर करते हैं, वो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे पार्टी में भी एडवाइस देते हुए 2001 से आज तक तेलंगाना तहरीक को मजबूत करते हुए हमारी हुकूमत को जिस तरह तरक्की कर रही है उसमें हमारे विनोद कुमार साहब ने भी बहुत बड़े कुर्बानियां दी है, बहुत बड़े अच्छे जरीन मशवरे दिए हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमें वक्त दिया गया उसका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।